उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सदर विधानसभा से बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और डॉक्टर अलका राय के बीच एम्बुलेंस प्रकरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी पुलिस ने 5 लोगों पर FIR दर्ज किया है, जिसमें अभी तक 1 गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोगों से पूछताछ चल रही है। मऊ जनपद में श्याम संजनी हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर अलका राय से बाराबंकी पुलिस ने पूछताछ किया। उसके आधार पर अलका राय और उनके भाई शेषनाथ राय, मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि मुजाहिद, मुख्तार अंसारी के कार्यालय में लिपिक के पद पर तैनात राजनाथ यादव और मुख्तार अंसारी पर बाराबंकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन करने में जुट गई है। वहीं बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार अंसारी के कार्यालय पर लिपिक के पद पर तैनात राजनाथ यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजनाथ के घर सन्नाटा पसरा हुआ है। राजनाथ की गिरफ्तारी के बाद परिवार वाले रो रहे हैं। राजनाथ के परिवार वालों ने CM योगी से न्याय की गुहार लगाई है। हम CM आदित्यनाथ योगी जी से बस यही गुहार लगाना चाह रहे हैं कि वह इस केस की अच्छे तरीके से उच्च स्तरीय जांच करें और इसमें जो भी दोषी पाए उस पर कार्रवाई करें। अगर हम लोग निर्दोष हैं तो उन्हें जमानत दी जाए। क्या आपको लगता है कि इनको फंसाया जा रहा है? हाँ, हमें तो यह लग रहा है कि हम लोग को मतलब गरीब समझकर, छोटा स्तर समझकर वो लोग हम लोग उन्हें कार्रवाई कर रहे हैं कि उन्हें ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, इन लोगों को कार्रवाई कर दिया जाएगा। तो लगता है कि मुख्यमंत्री से आप गुहार लगा रहे हैं तो सुनवाई होगी? अब तो कोशिश यही है कि उनसे गुहार तो यही लगा सकते हैं ना हम लोग छोटे स्तर उनके पास तो हम लोग जा भी नहीं सकते। इतना हम लोग के पास साधन और पैसा भी ना है कि उनके पास जाएं और उनसे विनती करें। हम लोग तो इसी के द्वारा ना उनसे गुहार लगाएंगे, मीडिया के द्वारा है कि वो हम लोग कार्रवाई करें, उच्च स्तरीय जांच की कार्रवाई करें कि कौन गलत है कौन सही है। जो गलत है उसे दोषी दें, जो सही है उसे क्यों दे रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं हम लोग को? हम यही चाहते हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी से यही सिफारिश है, गुहार है कि इस मेरे भाई के जो भी जिस तरह से भी फंसाया गया है उसका उच्च स्तरीय से जाँच हो और दोषी को सजा मिले। अगर मेरा भाई निर्दोष है तो उनको बरी किया जाए। आप लोग क्या लगता है? अब लगता क्या भैया, अब तो हम गुहार ही कर सकते हैं, यहीं से गुहार कर सकते हैं। वहाँ तक तो हम पहुँच नहीं सकते, हम लोग मजदूरी करने वाले आदमी वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। मीडिया के जरिए ही सिफारिश करेंगे कि हमारी विनती स्वीकार की जाए और इसको उच्च स्तरीय से जाँच किया जाए और निर्दोष को बरी किया जाए।